चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जब किसान के पास कुछ नहीं होगा तो मजदूर कहां जाएगा? आज ये स्थिति देश में पैदा कर दी कि वोट देने वाला भी सरकार से ये नहीं पूछ सकता कि तुम गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। और ये तीन काले कानून वापस मिलेंगे जब तक ये धरना जारी रहेगा। आपको कितने दिन हो गए यहाँ जो धरने पर बैठे, और कितने लोग डेली आपसे यहाँ पे आपके साथ इस आंदोलन से जुड़े? यहाँ तो जो 100-200 आदमी डेली बैठे हैं, 64-65 दिन हो गए बैठे हो। धरने पर क्यों बैठे हो आप? भाई सरकार ऐसा, सरकार को सपना वोट दी। ये जितने धरने बैठे लगभग 80% लोगों ने वोट दे रखी, 90%। लेकिन सरकार आज इतनी गुंगी बहरी होगी कि इन पर आरा चलाने की पक्की हो रही है। किसानों ने और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तीन बिल जो उन्होंने पास करे उन्हें निरस्त करने की मांग कर रहे किसान। और मैं तो ये कहूँगा कि जो घर में पड़े बैठे किसान भाई, उन्हें भी नुकसान है इसका। आज मैं समझ नहीं पा रहे अगली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे, हमें तो इसका पता नहीं लग रहा। आज ये स्थिति देश में पैदा कर दी कि वोट देने वाला भी सरकार से ये नहीं पूछ सकता कि तुम गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। ऐसी स्थिति आज से पहले देश में नहीं थी। धरना प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप उस पर प्रोग्राम करना लगाओगे। बेस्ट यूपी में भी जगह जगह किसान बैठे, लेकिन सरकार किसानों की बात मानने को तैयार क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है इसका? सरकार जो है, सरकार तो उद्योगपति पर जाए ली, सरकार को वोट हमें तो नहीं पता लग रहा कि IAS और IRS बैठे उनके पास में। क्या उनके पास आंकड़ा ही नहीं? क्या वोट कौन देगा? 75% यहाँ से किसान किसानी पर निर्भर आ रही। जब आप किसान के खिलाफ चलोगे तो वोट कहाँ से लाओगे? वोट बैंक तो खत्म कर दिया तुमने। क्या अडानी और अंबानी वोट दे देंगे क्या? लेकिन अब का इलाज होगा 2022 में, आपका 2022 में इलाज होगा। सारी पार्टी भाई जो यहाँ होगा उसका सम्मान होगा, जो यहाँ नहीं आने का उसका सम्मान का हकदार नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। सरकार में आज तक सभी सरकारों ने बढ़ाया, लेकिन इस सरकार ने गन्ने पे एक रुपया नहीं बढ़ाया। और आप तेल देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए, और भी, और किसान से मजदूर आदमी जुड़ा हुआ है। जब किसान के पास कुछ नहीं होगा तो मजदूर कहाँ जाएगा? बहुत समय से किसान लोग अपना घर बार छोड़े हुए पड़े हैं, और अपना बाप बीवी बच्चे सभी। तो सरकार को इस चीज़ को मानना चाहिए, ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए भाई, किसान लोग हैं, अपनी खेती भी है, सभी कुछ है, इस चीज़ को छोड़कर धरने पे बैठे हैं, अपने घर बार से बाहर हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं हैं। हम लोग ये नहीं कि हम सड़कों पे ही पड़े रहें, हम भी चाहते हैं हम अपने घर रहें। पहले हमारे देश का सम्मान हुआ करता था, जय जवान जय किसान, आज हो रहा है मर किसान मर जवान। तो इस धरने में कहाँ कहाँ से किसान जुड़ रहा है? और पूरे हिंदुस्तान का किसान जुड़ा हुआ है धरने से, हर ब्लॉक, हर तहसील, हर जिले से, सब जगह से किसान जुड़ा हुआ है। धरने में कब तक जुड़े रहेंगे, ये आंदोलन आपका कब तक जारी रहेगा? ये निश्चित काल के, जब तक सरकार अड़ी हुई है अपनी जिद पर, ये तीन काले कानून वापस मिलेगी जब तक ये धरना जारी रहेगा।